तो चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हंगामा हो गया। गणेश जोशी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक स्थानीय शख्स से विवाद हो गया। आरोप है कि आप कार्यकर्ताओं ने उस शख्स के साथ बदसलूकी की। बताया जा रहा है कि विवाद लाउड स्पीकर का तेज आवाज में बजाने को लेकर हुआ था। मंत्री कहाँ है? गणेश जोशी जी के चमचे नहीं चलेंगे यहाँ पर। कहाँ आपका मंत्री? कहाँ मंत्री है? कहाँ विधायक है? कहाँ विधायक है? कहाँ विधायक? कहाँ पीछे कर रहा है? कहाँ विधायक मंत्री? कहाँ मंत्री आपका? छुपे मंत्री छुपे। देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विधायकों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि 5 सालों में उन्होंने क्या काम किया अपने क्षेत्र के लिए। ऐसी 5 उपलब्धियां वो जनता के सामने रखें। इसी अभियान के तहत गणेश बोदियाल के घर के बाहर, माफ कीजिए, गणेश जोशी के घर के बाहर ये कार्यकर्ता पहुंचे थे और वहीं पर ये विवाद हुआ है। आप कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में हंगामा हो गया, लाउड स्पीकर की आवाज तेज थी, इसको लेकर एक शख्स ने मना किया और उसके बाद विवाद हो गया। सुनील सोनकर मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुनील, किस बात को लेकर हंगामा हुआ और क्या ताजा अपडेट इसके अलावा और है खबर पर? देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी मसूरी विधायक गणेश जोशी के मसूरी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में उनके एक पड़ोसी सतीश कुमार थे, जिनकी पत्नी की तबीयत खराब थी और जब वो प्रदर्शन लाउड स्पीकर पे जोर जोर से वहाँ पर चिल्ला रहे थे, तो उसका विरोध यहाँ पर सतीश कुमार ने किया। उनका ये कहना था कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, ऐसे में लाउड स्पीकर पर आवाज कम करें और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, परंतु इसको लेकर आप कार्यकर्ताओं ने आपा खो दिया और उन्होंने उस सतीश कुमार के साथ यहाँ पर हाथापाई कर दी और इसको लेकर काफी झड़प भी उनके बीच में हुई। सतीश कुमार का ये कहना है कि उनके बस ये आग्रह था कि उनकी वाइफ की तबीयत खराब है और इसमें लाउड स्पीकर ना बजाए। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद पूरे मामले को शांत किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन फिरसाली का कहना है कि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये व्यक्ति पूरा भाजपा का एजेंट है जो उनके प्रदर्शन को खराब करने के लिए आ रहा था और ऐसे में अगर उनकी पत्नी की तबीयत खराब होगी तो उनके घर जाएंगे और अगर इस तरीके की गलती होगी तो उनसे क्षमा याचना भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हंगामे की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। लाउड स्पीकर की आवाज तेज थी, इसको लेकर विवाद हुआ, लेकिन ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले को कंट्रोल किया गया।